मैंने इसमें गरम पानी डाल दिया है। एक्चुअली ये थोड़ा स्मेल आता है बनाते वक्त, लेकिन खाने में बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता है, थोड़ा बनने के टाइम स्मेल करता है। फ्रेंड्स, मेरा कटहल की सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, बन के रेडी हो चुकी है ईच और चिंगड़ी। ये छोटा छोटा है इसलिए पता नहीं चल रहा मिक्स हो गया, और वो वेज वाला। हेलो बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आज जैसे कि ब्लॉग शुरू सुबह से ही स्टार्ट कर दिए, इधर सानू है। सानू पहले हाय बोलेगी, अगर वो हाय नहीं बोली तो मुझे कुछ बोलने नहीं देगी। तो इधर देखिए, हाय, गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग बोले। आप लोग कैसे हैं? तो ये तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग में लेके आई हूँ एक रेसिपी के साथ। और ये रेसिपी हम बंगाली लोगों का बहुत ही फेमस है। हम लोग इस एक्चुअली गर्मी यहाँ तो मिल जाता है, बेंगलोर में हमेशा मिल जाता है, लेकिन हमारे उधर एक्चुअली ये गर्मी के सीज़न में ही मिलता है। तो मैं जिस चीज़ का बात कर रही हूँ वो एक्चुअली कटहल है जो हमारे उधर मिलता है। और बोले ना, हर तरफ मिल जाता है, अभी तो इधर भी मिल जाता, पहले नहीं मिलता था, अभी तो 12 महीना मिल रहा। तो मैं इसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी विथ चिंगड़ी माछ। आप लोगों को तो पता ही है बंगाली लोग चिंगड़ी माछ बहुत पसंद करता है। तो लाओ चिंगड़ी, कटहल चिंगड़ी, पटल चिंगड़ी, इस तरह का बहुत सारे रेसिपीज है। तो फिलहाल मैं आज कटहल चिंगड़ी बनाने वाली हूँ। और ये वेज नॉन वेज दोनों बन खा सकते हैं एक्चुअली। तो नॉन वेज के लिए उसमें चिंगड़ी डालते हैं, बिना नॉन वेज वालों के लिए ऐसे ही कटहल बना के खिला सकते। जैसे मेरे मिस्टर वेज है, मैं नॉन वेज हूँ, तो मैं दोनों तरह का आज बनाऊँगी, उनके लिए अलग मेरे लिए अलग। तो बने रहिए हमारे साथ, कैसे मैं क्या बना रही हूँ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को शेयर करूँगी। और हाँ, आज मैं जो चिंगड़ी यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली ड्राई है। मैंने ऐसे फ्रेश वाला तो यूज़ करके बनाया है, खाया पहले, लेकिन ड्राई वाला मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो बने रहिए कैसे मैं बना रही हूँ और इसका टेस्ट कैसा लगेगा, इसका एक्सपीरियंस भी आज फर्स्ट टाइम होगा मुझे, तो बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इधर कटहल ले लिया है और ये है सूखा वाला चिंगड़ी माछ। तो इसमें मैं अभी गर्म पानी डाल के रख दूंगी थोड़ा देर। मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। एक्चुअली ये थोड़ा स्मेल आता है बनाते वक्त, लेकिन खाने में बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता है, थोड़ा बनने के टाइम स्मेल करता है। तो ये अभी थोड़ा फिलहाल गर्म पानी में मैं थोड़ा देर 5 मिनट छोड़ दूंगी। उसके बाद इसमें नमक, और ये मैंने थोड़ा लेमन काट के रखा है, लेमन और विनेगर, ये तीनों चीज़ें डाल कर थोड़ा देर फिर छोड़ दूँगी तो इसका स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद खाने में इसका टेस्ट ही अलग आता है। तो अभी फ़िलहाल मैं कटहल का काटती हूँ, तो कैसे काट रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, कटहल को काटने के लिए इधर मैंने एक बकेट में थोड़ा पानी ले लिया है। ये तो उतना इसका लट्ठा निकलेगा नहीं, नहीं तो तेल यूज़ करना होगा हाथ में। तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में तेल इतना सा ले ली हूँ ताकि ज़्यादा चिपके नहीं। एक्चुअली यहाँ अभी तो फ्रेश जो होता है एकदम पेड़ का, वो थोड़ा चिपकता है, ये नहीं चिपकने वाला है। तो फिलहाल हम काटना शुरू करते हैं। देखिए इसमें से तो दूध नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने एक नीचे कवर डाल लिया है, अगर इसमें से अगर कुछ निकले भी चिपचिप नहीं होगा मेरा, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत अगर दूध इसका निकला, थोड़ा सा तो हल्का सा निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा नीचे मेरा ग्रेनाइट चिपक जाएगा, इसीलिए डाल दिया है। देखिए इसको मैं इस तरह से काट रही हूँ, ऐसे पानी में डालते जाएंगे नहीं तो काला हो जाता है। इस तरह से क्यूब शेप में काट रही हूँ। थोड़ा काटने में टफ लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरा पूरा कटहल मैंने काट के रेडी कर चुका है।
अभी इसमें एक आलू डालूंगे। बिना आलू का हम बंगाली लोग का होता नहीं है, तो इसलिए एक आलू काट देते, छोटा सा ही डालूंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं तो नहीं, क्योंकि मैंने पूरा कटहल यूज़ किया है। इस तरह से काट ले रही हूँ। अब इसको मैं डालूंगी कुकर में, इसका पानी निकालना होता है, बॉईल कर बॉईल भी हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा उसको निकाल के अच्छे से धो दूंगी, नहीं तो कस्सा लगता है इसका अगर पानी नहीं निकाला जाए तो। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ पानी डाल के बॉईल होने दे दूँगी, दो सीटी में काफ़ी हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं डाल दी गैस में, आप बारी आती है चिंगड़ी माछ की, इसको अच्छे से धो लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने अच्छे से धो लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, काफ़ी है, और इतना सा मैंने लेमन लिया है। इसके बाद थोड़ा सा विनेगर, जब तक कटहल बॉयल होगा इसको अच्छे से मिला देंगे और छोड़ देंगे, उसके बाद फिर से एक बार धो देंगे तो इसका पूरा स्मेल ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं पूरा मिला दिया अच्छे से हाथ से, जब तक कटहल बॉयल होगा मसाला रेडी करूँगी तब तक ये आराम से 5-10 मिनट हो ही जाएगा, उसके बाद धो देंगे तो पूरा स्मेल ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स कुकर ने 2 सीटी मार दी है, अब मैं नीचे उतार देंगे 2 बार। कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल दी हूँ, जब तक बस कढ़ाई तो गर्म होगा ना उधर कुकर का गैस भी निकल जाएगा, इधर मसाला मैं रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें सभी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रहा, मैं इसमें सूंघ के देखा है, तो अभी मैं इसको फिर वॉश कर लूँगी। सो फ्रेंड्स मेरी कढ़ाई हो चुकी है गर्म, इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, फिलहाल इतना ही तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुकी है, इसमें डाल देते थोड़ा सा 5 फोड़ा, देखिए चटक रहा है, तेल गरम हो चुकी है। इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज और टमाटर, थोड़ा सा हल्का मिला लेते हैं और ढक देंगे, तब गल जाएगा थोड़ा थोड़ा सा टमाटर सब। तो फ्रेंड्स मेरा प्याज और टमाटर हल्का गल गया है टमाटर सब, और इसमें डाल देता है मसाले। सबसे पहले तो नमक, इसके बगैर टेस्ट नहीं आता है। अब डालेंगे बाकी मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा धनिया पाउडर, डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मसाले को अच्छे से भून जाए। और अगर जो नॉनवेज खाते हैं वो क्या करना होता है, उसको पहले चिंगड़ी माछ जो था उसको हल्का तेल में फ्राई करके निकालने के बाद ये मसाला रेडी करना था, कटहल चिंगड़ी माछ सब एक साथ डाल के मिला देना। तो जैसा कि मेरे मिस्टर खाते नहीं, इसलिए मैं पहले एकदम प्योर वेज वाला ही बना रही हूँ, उसके बाद चिंगड़ी माछ को फ्राई करेंगे फिर मिक्स करेंगे। मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स, मसाला फ्राई हो चुकी है, और इधर मैंने कटहल को भी निकाल के रखा है, देखिए एकदम परफेक्टली बॉयल हुआ है, ना ज़्यादा ना कम, 2 सीटी में एकदम अच्छे से बॉयल हो जाता है। हाँ लेकिन जो आलू डाले थे वो पूरा बॉयल हो गया एक्चुअली, इसको मुझे गोटा ही डालना चाहिए था। इसको भी अच्छे से इसमें मसाला में मिला के भून लेती हूँ। तो कटहल भी अच्छे से फ्राई हो गया है मसाले के साथ, पानी डाल दे रहे हैं, मेरा कटहल पका हुआ है इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी ताकि बॉयल मसाला वाला गंध चला जाए, थोड़ा सा बॉयल होगा फिर उतार दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं अब इसमें थोड़ा नमक को डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि उधर सब्जी में है सिर्फ मछली की, काफ़ी है, और हल्का सा हल्दी बस, इसको फ्राई
फ्राई करूँगी, इसलिए थोड़ा डाल के रख देगा। फ्रेंड्स, मेरा कटहल की सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने निकाल लिया, दो जगह अलग अलग सेपरेट कर दिया, एक वेज एक नॉन वेज। अब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई तो थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगी तो चिंगड़ी मांस डाल देंगे। चिंगड़ी मांस डाल दिया, अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो पूरा अच्छा से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मांस डाल देंगे। और ये क्या होता है, अगर डायरेक्ट बनाते हैं नॉनवेज वाला तो ये निकाल लेते हैं, उसके बाद तेल डालते, प्याज मसाला डाल के फ्राई करते, उसके बाद चिंगड़ी मांस डाल देते हैं। लेकिन मैं इस तरह से आज बना रही हूँ। अब इसमें कटहल डाल देते हैं। बन गया, इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए बन के रेडी हो चुकी है इचौर चिंगड़ी। ये छोटा छोटा है इसलिए पता नहीं चल रहा मिक्स हो गया, और वो वेज वाला। तो आज क्या क्या लंच मेरा बना मैं दिखा देती एक बार। ये तो आपने देख लिया वेज नॉन वेज के साथ। ये एक बरबोटी आता एकदम पूरा ग्रीन कलर का था। ये दाल इसी ऑनियन के साथ फ्राई किए हैं। ये सैलड और ये फुल गोभी फ्राई किए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा इचौर चिंगड़ी बन के रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद है। तो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितने लोग मतलब इस तरह से ड्राई वाला के साथ बनाया है। नॉर्मल वाला तो बहुत कोई बनाया होगा, ड्राई वाला कौन कौन बनाया है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज का ब्लॉग मैं यही फिनिश कर रही हूँ। फिर मिलेंगे किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव रहे। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कुछ नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, वो कॉपी करने में सबसे आगे है फ्रेंड्स। कुछ भी होता है फट से कॉपी कर लेती है। तो बाय बाय, आज का ब्लॉग फिनिश करते हैं। बाय बाय।